पार्टी में अच्छा खाना चाहिए मुझे सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है। और मैं कई बार ये भी ट्राई करता हूँ कि आंख बंद करके कैसे स्विच ऑन करनी है या फिर कुछ चीज़ लेनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव जोशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला। अंधेरे में बचपन में काफ़ी मैं डरता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद काफ़ी बार हुआ है कि लाइटें चली जाती हैं, सो इट्स वेरी मच ईजी कि अब मुझे पता होता है माइंड में। और मैं कई बार ये भी ट्राई करता हूँ कि आँख बंद करके कैसे स्विच ऑन करनी है या फिर कुछ चीज़ लेनी है, सो इट्स ऑलवेज इन माई हैबिट। तो अब उतना डर नहीं लगता, सो आई कैन डू मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ माई चोर्स। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ़ोन लेना है या फिर कोम लेना है, मुझे कोम की काफ़ी आदत है तो कोम लेना है, तो सारी चीज़ें मुझे माइंड में होती है। तो मैं आँख बंद करके भी बैठते हैं, टीवी देखते हैं, पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं, मम्मी की हेल्प करता हूँ मैं ज़रूर ऑफकोर्स जितनी हो सके, सो येस ऑफकोर्स। और बाकी जो नॉर्मल फैमिली में जो बच्चे करते हैं वही मैं करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें वो तो मम्मी को पूछना पड़ेगा कि मम्मी को मैं कैसे हेल्प करता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। घर में जो भी चीज़ें होती है मतलब मुझे शांत बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, सो जितना हो सके मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मम्मी कई बार बोलती है तू बैठ आराम कर, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट एज मच एज आई। पार्टी में अच्छा खाना चाहिए मुझे सबसे पहले, ये इम्पॉर्टेंट है। खाना नहीं है तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑफकोर्स मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स वो हमेशा साथ में रहते हैं, तो वो भी चाहिए, हम तीनों की एक जोड़ी है, तो कहीं भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं। एंड ऑफकोर्स शायद आई थिंक म्यूज़िक या फिर डांस, क्योंकि हर पार्टी में मोस्टली जाता हूँ, जहाँ बालवीर की भी लॉन्च पार्टी हुई थी तो काफ़ी सारे डांस और मज़ा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ रिफ़्रेश होकर डांस। ऐसी तो कोई गलतियाँ की नहीं मैंने कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ऑफकोर्स बचपन में काफ़ी सारी मस्ती मजाक में हो जाती है और मेरे पेरेंट्स हमें सिखाते भी हैं, तो सीखते सीखते बड़े हुए हैं। आई एम ग्लैड कि मैंने जो गलतियाँ कहीं ना कहीं स्कूल में या फिर जो करता था पढ़ाई में हो, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हेल्प किया है, मुझे सही गाइड किया है, और उस सब से निकल के आज मैं इतना अच्छा इंसान बन पाया। सबसे पहले वो एक आँखों का कनेक्शन होता है, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, तो जैसे ही आप उन्हें देख रहे हैं तो वो भी आपको देख रहे हैं, तो एक कनेक्शन बॉन्ड वहीं पर बन जाता है हाय हेलो के पहले ही। और फिर जब आप हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो क्या टोन है उनका, किस तरह से वो ग्रीट कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे यहाँ को एक्टर्स आते हैं नए नए, हर सीज़न में हर स्टोरी में एक नए एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, तो उस समय मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमारा जो बॉन्ड है वो ऑफ स्क्रीन भी उतना ही अच्छा रहे और ऑन स्क्रीन भी दिखे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर। हाँ, तीन तो नहीं, एक ही चीज़ है, मतलब मैं गुस्सा उतना करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पर गुस्सा आता है कि कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें या फिर कहीं ना कहीं क्रू को या फिर सोसाइटी में किसी को भी सफ़र करना पड़ रहा हो। सो मेक श्योर कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपके काम की तरफ से, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, तो आप बस उसे फुलफ़िल करें और किसी और को उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, बस यही मेक श्योर करें। बहुत सारे क्योंकि एज एन एक्टर हर इमोशन एक्सप्लोर करना पड़ता है ना। बालवीर का किरदार ऐसा ही है कि जब घर पे होता है तो वीर के किरदार में फैमिली के साथ होता है तो एक बच्चा है, लेकिन जब सुपर हीरो है तो फाइट भी कर रहा है, गुस्सा भी है, अपनी माँ को बचा रहा है, इमोशंस काफ़ी सारे हैं। सो सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन एज देव जोशी मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ मस्ती करता हूँ, तो हंसना तो एवरीडे होता है, थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती है, तो रोना या फिर चिढ़ना ये सब भी चलता रहे। तीन मोस्ट आई थिंक एक रिंग वाला होगा, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, जो स्माइलिंग फेस होता है रिंग वाला, डिवाइन लगता है, बहुत ही फ्रेश लगता है। आई थिंक उसके बाद होगा थम्स, जो हर किसी को बेचता हूँ मैं थम्सअप, और शायद हग वाला एक निशान होता है, प्यारा सा ऐसा छोटू सा हग है, तो वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। होटल से ऐसी कोई तीन चीज़ें चुराई हो, मेमोरीज काफ़ी सारी चुराई हैं होटल से, वैसे तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड ऑल दैट थिंग्स, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल गेस्ट मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। कार में हमेशा काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वैसे तो मेरा रेडियो है कारवा, वो कार में रहता है मेरे साथ, मेरा लैपटॉप है वो भी सेट पे आता हूँ तो हमेशा कार में रहता है, एंड एक डंडा भी है कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो, और किसी की गाड़ी में होता है, सो इट्स नेसेसरी। सो ऑफकोर्स ढेर सारा प्यार आप इतने सालों से मुझे देते आए हैं, मेरे परिवार को देते आए हैं, इसी तरह बालवीर को देव जोशी को देखते रहे, और आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक यू।